हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ऑपाक्यूनेस। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ऑपाक्यूनेस के आधार पर आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल को पढ़ेंगे। मटेरियल को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ऑपाक्यूनेस। अगर किसी मटेरियल के थ्रू हम वन साइड टू अनदर साइड क्लियरली देख सकते हैं, उस मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। और अगर किसी मटेरियल के थ्रू हम एक साइड से दूसरे साइड देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। और अगर किसी मटेरियल के थ्रू हम एक साइड से दूसरे साइड एकदम नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल को हम ऑपाक्यूनेस कहते हैं। तो इसलिए जो सभी मटेरियल हैं इनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ऑपाक्यूनेस। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल और ऑपाक्यू मटेरियल, आज हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल और ऑपाक्यू मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो वह मटेरियल, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि वह मटेरियल जिसके थ्रू हम क्लियरली वन साइड टू अनदर साइड देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल को ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्लास विंडो है, तो ग्लास विंडो में अगर हम देखें तो अगर ग्लास विंडो के इस साइड हैं तो उस साइड के प्लांट वगैरह को हम आसानी से देख सकते हैं। अब ग्लास में सभी ग्लास नहीं, कुछ ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के जो ग्लास होते हैं उन्हीं के थ्रू हम वन साइड टू अनदर साइड देख सकते हैं। तो जो ग्लास विंडो हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होते हैं, अगर वो ग्लास विंडो जिसके एक साइड से हम दूसरे साइड देख सकते हैं। अब कुछ मटेरियल है जिनके थ्रू एक साइड से हम दूसरे साइड देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे कि ग्लास है, एयर है, वाटर है, कुछ प्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन है, ग्राउंड नट ऑयल्स है, एल्कोहल है, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनके थ्रू हम वन साइड टू अनदर साइड देख सकते हैं। और इसलिए इन मटेरियल को हिंदी में हम पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी मतलब वह मटेरियल जिसको एक साइड अगर हम खड़े हों तो उसके दूसरे साइड के भी चीज़ों को, मटेरियल ऑब्जेक्ट को देख सकें।
ऐसे मटेरियल को पारदर्शी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांसपेरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसपेरेंसी क्या होता है और ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं जाना। कल के वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसलूसेंट और अपाक्यू मटेरियल और ट्रांसपेरेंट और ट्रांस अपाक्यूनेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे।